150 और 2015 के बीच के ये आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं, जिसके तहत भारत में कम हुई है हिंदुओं की आबादी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, रिपोर्ट जारी हो चुकी है आंकड़ों की, और कई अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी चिंताजनक भी इसे बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार बात हो रही थी मुसलमानों के आरक्षण की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है कहा जा रहा था अलग अलग तरह से। आपको क्या लगता है ये सियासत और कितनी ज्यादा बढ़ेगी? जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं ये बताती है, जो भारत बोलता है कि अनेकता में एकता, और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमने अपना सजो के रखा हुआ है। और ये जो तमाम आंकड़े हैं जिसमें बताते हैं अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज में से भी मुस्लिम जो 43 पॉइंट कुछ की तरीके से आगे बढ़े हैं, और क्रिश्चियंस वो भी आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर वही बात की जाए मेजॉरिटी की यानी हिंदू इसमें 7.83 के लगभग से घटे हैं, तो ये बताती है हमारी सोच को कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी माइनॉरिटीज़ को कुछ इस प्रकार संजोते हैं कि वो आज भारत एकमात्र दुनिया का वो देश है जहां अपनी माइनॉरिटीज़ खिल रही हैं, बढ़ रही हैं। और अगर आप भारत से थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, चाहे एशिया की बात देखें चाहे पाकिस्तान की बात देखें, तो वहाँ माइनॉरिटीज़ का आलम कुछ इस कदर है कि माइनॉरिटीज़ वहाँ लगातार कम होती जा रही है। अगर आप पाकिस्तान की बात की जाए तो बलोच पर लगातार वहां पे उनकी जनसंख्या कम हो रही है, अत्याचार को लेकर दुनिया जानती है। पश्तूंस का पाकिस्तान में क्या आलम है आप देखिए, लगातार उन पर अत्याचार होते हैं। उइगुर मुसलमान का चाइना क्या आलम करता है दुनिया जानती है। अफगानिस्तान में तमाम चीजें देखिए, सिख को वहां से भाग कर आना पड़ा। श्रीलंका में देखिए, और कहीं ना कहीं तमाम चीजें भारत के आसपास देखिए, तो माइनॉरिटीज का आलम हक को कुछ इस कदर है कि उनको अपना देश तक छोड़ना पड़ा। आपको लगता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं? आपको लगता है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स की आबादी देश में नहीं बढ़ती, चुनाव के दौरान ये सामने जब आंकड़े आए हैं। आनंद, बात पूरी कीजिए अपनी। जी मोनिका, ये जो आंकड़ा जो समय आया है, क्योंकि 3 फेसेस लोकसभा के हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को लेकर दोनों पार्टी यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने अनुसार राजनीति करने की शुरुआत कर चुकी है, जहां बीजेपी लगातार इस आंकड़े पर संदेह बता रही, क्योंकि जो मुसलमानों का जो वो बढ़े हैं चीजें, जनसंख्या बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं हिंदू कम हुए, जिसको लेकर बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको लेकर लगातार बीजेपी अब सतर्क हो चुकी है और लगातार कांग्रेस पर वॉर कर रही है। आप देखिए तमाम बयान आपको बताएंगे, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर भी लगातार जिहाद चल रखा है। और कहीं आप जब विपक्ष की देखेंगे तो विपक्ष इस मुद्दे को यानी जनसंख्या के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर लगातार खुश है, लेकिन दोनों पार्टीज अपने अपने अनुसार अपनी रणनीति गढ़ रहे हैं। लेकिन आनंद, ये खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, जो भारतीय सेकुलरिज्म की, वो चीजें सामने। आनंद, ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत से ज्यादा चिंता की जरूरत है। आबादी हमारी, अब अगर हम कहें हम चाइना को भी लगभग पीछे ही छोड़ चुके हैं, अब उसमें हिंदुओं की बढ़े या मुस्लिमों की बढ़े या किसी की बढ़े, तो जनसंख्या कानून जिसका जिक्र हमेशा सिर्फ होता आया है, क्या उस विषय में अब पार्टियां सोचेंगी? जी अभिषेक, बिल्कुल, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगर अब जनसंख्या की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या भारत पर दबाव डालती है, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसके पास नौकरियां लिमिटेड हैं, और जब जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो उन तमाम रिसोर्सेज पर दबाव पड़ते हैं। वो यही कारण है कि आप देखिए बेरोजगारी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तमाम चीज़ें जनता के बीच में रहती हैं। और अगर आप बात की जाए उसके साथ बीजेपी की, तो ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो भारत है उस कदम आगे बढ़ चुका है कि अब इसको जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाना होगा, या सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर तमाम वो जो लॉ लाने के लगातार बीजेपी वादे कर रही थी, उसको अब समय बहुत नज़दीक आ चुका है। क्योंकि जब आप जनसंख्या बढ़ती है उस देश की, उसके रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है, नौकरियों से लेकर तमाम चीजें आप देखिए। आनंद, आपको लगता है कि यूसीसी की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और अब चूंकि आंकड़े सामने आ गए तो कहीं ना कहीं आंकड़े इस बात के फेवर में नजर आते हैं कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, उसकी शुरुआत तो उत्तराखंड से हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो सेंटर की बात बताए तो सेंटर अभी तक इस मुद्दे को लेकर उतना एक्टिव नहीं देख रहा। जो बीजेपी का जो सोच है वो ये सोच लगातार जनता के बीच में है, या कहें सरकारों के बीच में, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अनुसार
लेकर यूसीसी आए और सीए लेकर आए, लेकिन जैसे अब ये डाटा निकल कर आए तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इसको सेंट्रल लेवल पर डील करना होगा, जनसंख्या से लेकर कोई कानून बनाना होगा। बीजेपी के कई नेता हैं जो कई बार पीआईएल जनसंख्या कानून को लेकर डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट ने इसको आगे हरी झंडी नहीं दी क्योंकि याचिका खारिज कर दी गई। तो अब सारा दारोमदार सरकार के ऊपर है कि सरकार इस आंकड़े को देखने के बाद क्या सोचती है, वो किस ओर कदम बढ़ाएगी, क्योंकि दरअसल अभी आचार संहिता लगी हुई तो इसको लेकर तमाम चीजें अभी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो अगली सरकार आएगी तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो नौकरियां हैं वो लिमिटेड हैं, जो तमाम बाकी टूरिज्म है, जनसंख्या है, उसको लिमिटेड करनी होगी, क्योंकि हम आज दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना को हमने पीछे पछाड़ दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी तरक्की को लेकर एक बाधा ये जनसंख्या भी बनती है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम इसके कई गरीब होते हैं तो उनको देना पड़ता है, सरकार पर इस पर दबाव पड़ता है। वो चीज अगर हम लोग विकास योजना पे लगाए उससे देश तरक्की करता है, हाईवेज नहीं बन सकते, हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते, लेकिन पीडीएस को लेकर गरीबों को देना पड़ता तो कहीं सरकारी योजनाएं होती जिसका फायदा उनको देना होता, क्योंकि ये एक देश है, डेमोक्रेसी है, तो इसको सबको साथ लेकर चलना है। तो यही कारण है कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उन तमाम तंत्र पर दबाव पड़ता है, और अब देश उस ओर बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं इसको जनसंख्या से रिलेटेड कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम की आबादी देखिए 43.8 समथिंग के तौर से आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक संशय लोगों के दिलों में है, क्या ये नॉर्मल तरीके से बढ़ी या एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाई गई है, जिससे आप देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो इसी माइनॉरिटीज के सामने आता है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस टारगेट करती है। आप देखिए जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें साफ बताया गया है कि अल्पसंख्यक को लेकर कई वादे किए गए, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने होती है, तो अब देखने वाली बात यह होती है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर कदम आगे बढ़ाएगी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाएगी। अब ये भी तो सोचना होगा कि अल्पसंख्यक कौन, जैन घट रहे हैं, पारसी घट रहे हैं, जो 1% भी नहीं है, उनकी हिस्सेदारी 1% से कम है, और जिनकी हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है वो कैसे अब माइनॉरिटी में हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनकी संख्या घट रही है, उसके बाद आप अफगानिस्तान चले जाइए वहां भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, बांग्लादेश में वही स्थिति देखने को मिल रही है। अभिषेक, सबसे जायज सवाल यही है कि इस देश में माइनॉरिटी कौन है, अगर आप माइनॉरिटी पारसी को बताएं तो माइनॉरिटी है, आप क्रिश्चियंस को बताएं तो माइनॉरिटी है, लेकिन मुसलमानों को लेकर कई बार इस चीज को लेकर सवालिया निशान उठ चुका है कि क्या मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी हैं या नहीं, तो उसको लेकर कई बार मंथन हो चुका है, कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो इसका जवाब होगा वो आंकड़े तमाम डाटा देखे जाएंगे जब जनगणना होगी, उसके अनुसार देखा जाएगा क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जो कि उनको बेनिफिट्स मिलते हैं अल्पसंख्यकों वाले, तो क्या उसके लायक वो या जायज उम्मीदवार उसके हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर भारत के आसपास देखें, पाकिस्तान में देखें, पश्तूनों के साथ अत्याचार होते हैं, वहां अल्पसंख्यक जो समुदाय है या तो उसको वहां से भागना पड़ता है, कई भारत तक आए, पश्तून को ले लिए, बलूच को ले लीजिए, अफगानिस्तान में दे लीजिए, सिखों को भाग के आना पड़ा, कश्मीर में देखिए उइगर मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, म्यांमार में देखिए। बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है भारत में बढ़ती हुई आबादी, जो कई चीजों पर इसके विकास पर असर डालेगी।